हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्यूष एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईक्यू क्लासेस। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आईक्यू क्लासेस पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि 10 मार्क्स का तो डील करेगा ही करेगा। हम लोग के 20 मार्क्स को पेपर है तो हम लोग ये ऑर्गेनिक अब स्टार्ट करते हैं। ये 10 मार्क्स की आनी ही आनी है और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जिससे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग कोई भी अलग से बात नहीं करेंगे या पूरा चैप्टर डील नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ वो पॉइंट पे बात करेंगे जो बोर्ड 2023 के पेपर में क्वेश्चन वो है ही। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th आईएससी ऑर्गेनिक। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक चैप्टर। अच्छा, ऑर्गेनिक चैप्टर में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करनी है। अच्छा, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है तो क्या रखती है, नेमिंग। क्या रखती है, नेमिंग। तो हम लोग सबसे पहले नेमिंग को डील करेंगे कि हम लोग को नेमिंग किस तरह पढ़ना है। चलिए हम लोग नेमिंग को थोड़ा सा डील कर लेते हैं। अच्छा चलिए नेमिंग डील करते हैं। नेमिंग में हम लोग को क्या डील करना है, नंबर ऑफ कार्बन पहले देखने। अब मैंने यहाँ पे वो नंबर ऑफ कार्बन लिखे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक कार्बन के लिए हम लोग लेंगे मैथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट और सिक्स के लिए हेक्स। ये आपको अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लेना है राइट नाउ, ताकि अगर जो अभी अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उससे हम लोग को पता होगा कि हम लोग को क्या करना है। अच्छा, उससे ज्यादा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को ये ध्यान रखनी है बॉन्ड्स के बारे में कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते कैसे। एक होता है सिंगल सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सी सी, यानी यहाँ पे जो बात कर रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में बात कर रहा है। यहाँ पे जो बॉन्ड की बात हो रही है किसके बीच की बात हो रही है, कार्बन और कार्बन के बीच के। यानी अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन है, क्लियर। अच्छा, अब अगर बात करते हैं कोई एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जो मेन चेन में इंक्लूड ना किया जाए। जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये कार्बन है। अब ये रहा एक और कार्बन। अब यहाँ पे मेन चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4। जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्लोजेस्ट होगा या नियरेस्ट होगा हम लोग वहां से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 क्या है, 1 2 एंड 3 एंड 4। चार कार्बन के लिए क्या था, याद करिए, चार कार्बन के लिए ब्यूट था। सबूत दिखाएं, ये रहा आपका सबूत, चार कार्बन के लिए क्या था, ब्यूट। अच्छा, अब क्या ये कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हुआ, क्या ये कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हुआ, नहीं हुआ। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग जो होगी वो कैसी होगी, पहले होगी कौन से नंबर पे, 2 पे। तो 2 पे क्या आया, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए मिथाइल। आप लोग हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेंगे, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। कार्बन की अगर 4 वैलेंसी होती है तो एक कार्बन के पास एक वैलेंसी है तो ये रहा 3H हो गया। हम लोग H से या बॉन्ड से उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ पे एक वैलेंसी 3H, यहाँ पे एक वैलेंसी 3H, यहाँ पे कितनी वैलेंसी 2H, तो 2H, यहाँ पे कितनी वैलेंसी 1 2 3, तो यहाँ पे 1H एकदम सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अब क्या है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या हो गया, ब्यूटेन। अच्छा, तो हम लोग ऐसे करेंगे नेमिंग। अब अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एल्डिहाइड होता है, एस्टर होता है, ईथर होता है, तो हम लोग के बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हम लोग सिर्फ मेन 3 को डील करेंगे, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो ऑल यूज करेंगे, एल्डिहाइड के लिए जो यूज करेंगे वो ए यानी अल यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक यूज करेंगे, क्लियर। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अगर जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उस कार्बन भी नेमिंग में इंक्लूड होगा। तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब क्या है इसका सफिक्स, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। सभी को अच्छे समझ आया, आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है, दो कार्बन है और यहाँ पे लिखा हुआ CHO। CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, हाँ प्रत्युष ने बताया था, कौन सा था, एल्डिहाइड था। तो 1 2 3, यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या हो गया, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अल। सभी समझ आया क्या, समझ आया ना, तो आगे बढ़े क्या।
आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे ऐसा लिख सकते हैं क्या? आगे ऐसा लिख लिया तो इसकी नेमिंग क्या होगी? अब 1 2 3, अब जहां से फंक्शनल ग्रुप देखिए स्टार्ट हो रहा है वहीं से मैं नेमिंग कर रहा हूं। तो 1 2 3, 3 के लिए क्या होगा? प्रॉप सिंगल बॉन्ड है, एन आखिरी में क्या है? ऑल। अच्छा समझ आए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, इस कार्बन पास दो वैलेंसी है तो 2H, एक वैलेंसी है तो 3H, इस कार्बन पास 3 वैलेंसी है तो 1H। मान लीजिए 1 2 3, 3 के लिए क्या लग रहा था? अब तो आप लोग स्मार्ट हो गए हैं, जान गए हैं, पहचान गए हैं। प्रोप अब क्या है? सिंगल बॉन्ड है? नहीं, कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, तो प्रोपीन, प्रोपीन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं, जैसे ये एक वैलेंसी 3H, एक वैलेंसी 3H, एक वैलेंसी 3H, दो तीन वैलेंसी 1H और चारों वैलेंसी इस कार्बन की फुल है। तो 1 2 3 4, क्या नेमिंग यहां से करना स्टार्ट? सही है? नहीं, हम लोग को नेमिंग कहां से करनी चाहिए? जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है। तो कहां से डबल बॉन्ड पास है? 1 2 3 4। अब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग फर्स्ट कर रहे थे ना, तो 4 पे क्या है? मिथाइल। सब में डबल बॉन्ड है? नहीं, एक में डबल बॉन्ड है। तो 1 2, कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। तो अब कितने कार्बन की चेन है? ब्यूट, तो 4 मिथाइल ब्यूट 2 ईन। सभी को समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत प्यार से। चलिए अब हम लोग को कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? हम लोग को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है हैविंग अ ट्रिपल कोवेलेंट कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड इज, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। देखते हैं कैसे। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये होना चाहिए C2H2। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। पहले हम लोग C4H10 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। H कितने लगाने हैं? 10। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया, कितने हो गए? 6, बचे 4, तो 2 2। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसीलिए सी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए पहला वाला देखते हैं का H। अब वैलेंसी सेटिस्फाई के लिए 3 बॉन्ड्स आएंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स लग गए, यानी ये सही है। तो हम लोग को पहला वाला ऑप्शन करेक्ट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, इसमें कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग 2,2 डाइमिथाइल। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कोई चेन नहीं दी है, चलिए मैं अपने मन से चेन ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने पेंटेन ले लिया, पेंट कितने कार्बन के लिए होती है? 5 कार्बन के लिए होती है, तो 5 कार्बन बना देते हैं, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है 2,2 यानी 2 पे 2 मिथाइल है, यानी CH3। मिथाइल क्यों है? क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है और इनके नेम के आखिरी में आइल लगा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन। अच्छा, अब हमको सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी है, तो 2,2 डाय मिथाइल, सिंपल। समझ आया? चलिए मिथेनॉल को देखते हैं। मैथ के लिए 1 कार्बन, तो 1 कार्बन, उसके साथ क्या लगा हुआ है? ऑल यानी OH। सभी को समझ आया? अब कार्बन के साथ एक वैलेंसी है तो यहाँ पे 3H हो गया, तो ये क्या हो गया? मिथेनॉल। ऑल क्यों? क्योंकि OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। आइसोप्रोपेन, देखिए आइसो का वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई मेन चेन से डायरेक्टली अटैच कोई एक कार्बन यहाँ पे लगा हो, मेन चेन से कोई डायरेक्टली अटैच यहाँ पे एक कार्बन लगा हो, तो यहाँ पे क्या हो गया? CH3, यहाँ पे क्या आएगा? CH3, और ये क्या हो जाएगा? CH, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपेन। अच्छा, अब हमको IUPAC नेमिंग बतानी है फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अगर एसिटल्डिहाइड है, मैं इतना बता देता हूं, जैसे मेरे पास ये होता है CH3CHO, 1 2, दो कार्बन के लिए क्या होता है? एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शनल कौन सा है? एल्डिहाइड यानी अल, तो ये हो जाता है एथेनल, तो ये इसका IUPAC नेम है। तो एथेनल को ही हम लोग एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। एसिटाइलिन की बात करें, एसिटाइलिन क्या होता है? अगर मैं दो कार्बन लूं, ये हमारा होता है एसिटाइलिन, तो एथ को ही हम लोग एसिटल्डिहाइड और एसिटाइलिन हम लोग दोनों बोलते हैं। सभी को समझ आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमको बताना है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटीन। पेंटीन क्या होता है? 1 2 3 4 5, वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे CH3 CH3, दो वैलेंसी, दो हाइड्रोजन, दो वैलेंसी, दो हाइड्रोजन, दो वैलेंसी, दो हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हम लोग एन पेंटीन। अच्छा, मैं एक होमवर्क देता हूँ कि देखता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं।
तो मैंने इसके एक आइसोमर बना दिया, मैं बता देता हूं इसके तीन आइसोमर बनेंगे जिसमें से आप लोग को दो और बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मैं ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो 2023 यानी जो 20 मार्च को आपकी बार पेपर होने वाला है, इसमें मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। हमसे कह रहा है सोडियम एसीटेट से हमको बनाना है मीथेन। अच्छा ये मीथेन की प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है सोडियम एसीटेट। जैसे मान लीजिए मेरे पास होता है CH3COOH, ये होता है हमारा एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड, या फिर इसको बोल सकते हैं 1,2 इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेनोइक एसिड। अब इसी में से मैं CH3COOH को हटा के NO लगा दूं तो ये हो जाता है सोडियम एसीटेट। प्लस हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एक बेस के साथ, मान लीजिए मैंने ले लिया NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ CaO के प्रेजेंस में हम इसको हीट कराते हैं। अच्छा NaOH प्लस CaO को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, एक ट्रिक बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला H उठा के इस CH3 को दे देना है। अगर वो वाला H CH3 को दे दिया तो ये क्या बन गया? CH4 मीथेन, यही होता है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, दो Na है और तीन O है, दो Na है तीन O है, एक C यानी Na2CO3, यहां से क्या निकल गया? सोडियम कार्बोनेट। सभी को समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा इसमें कह रहा है ब्रोमो इथेन है। अच्छा ब्रोमो पहले एथ बनाते हैं, इथेन दो कार्बन के लिए एथ, ये हो गया। अब ब्रोमीन लगा हुआ है यानी मुझे यहाँ पे दो एच लगाने पड़ेंगे। इसकी रिएक्शन करा रहा है एल्कोहोलिक KOH के साथ, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है बच्चों वो होती है डी हाइड्रो हेलो जिनेशन। कौन सी रिएक्शन होती है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब यहाँ पे हैलोजन का भी रिमूवल होगा और वाटर का भी रिमूवल होगा। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि आप लिखेंगे कैसे। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे CH2 इसके साथ Br लगा हुआ ना, इसके साथ एज इट इज Br निकाल दिए, और इसके साथ तीन एच है ना, तो मैंने दो एच लिखा और एक एच को नीचे कर दिया। अब क्या करना है आपको, KOH आपको पता है ब्रेकिंग कैसे होगी, पहले पॉजिटिव दूसरी निगेटिव। अब पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, आप लोग को तो पता ही है, पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KBr हमारा रिमूवल हो जाएगा, हमारा KBr निकल गया। अब बचा हुआ OH और H को रिमूव करा देगा, यानी वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, CH2-CH2। अब CH2 यानी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी थी, टेट्रा वैलेंट यानी चार, यहाँ पे कार्बन की तीन वैलेंसी, तो वैलेंसी सेटिस्फाइड के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा जो कि क्या बन जाएगा, इथीन। सभी को अच्छा समझा? तो हम लोग ने सिर्फ वो टॉपिक्स देखे हैं जो हमारे बोर्ड के लिए इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी। अभी तक अगर किसी ने भी पढ़ाई नहीं करी है तो ये उसी के लिए वीडियो है, और जो सबसे ज्यादा पढ़ चुका है उसके लिए तो बहुत जरूरी है यार, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करेंगे। अभी तक हम लोग ने प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एनालिटिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, सबसे ज्यादा वेटेज वाले अबकी बार हम लोग ने चैप्टर को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट को, जो कि उसमें सिर्फ सब कुछ पार्ट कर चुका है, सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और वेपर डेंसिटी को लेके ही पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं उस वीडियो के ऊपर। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अपनी पढ़ाई एकदम मजबूत रखनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइज, तो मैं हूँ प्रत्युष श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस। तो अभी तक मैंने आप लोग को जितना भी कुछ पढ़ाया है या फिर जितना भी कुछ मैंने आप लोग को बताया है, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो क्लास 10 ICSE से रिलेटेड, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये सब के आपको सॉल्यूशन भी कैसे आप लोग को प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को सिर्फ यूट्यूब पर टाइप करना है IQ क्लासेस, एंटर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आप लोग IQ क्लासेस देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से क्लिक होने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, आप लोग के 9th, 10th, 11th, 12th, तो आप लोग के जो भी भाई बहन जिस हिसाब से भी आप लोग के क्लास में, आप लोग उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग अगर ICSE बोर्ड के तो ICSE CBSE है तो CBSE पे ICSE पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक हियर टू लॉग इन रजिस्टर भी कर सकते हैं, जिससे आप लोग को कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग ईमेल के द्वारा मैसेज या फिर कुछ बता भी सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के अगर सेक्शन पे जाएंगे,
केमिस्ट्री सेक्शन में आप लोगों को जाने के बाद ये देखिए, आप लोगों को सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस सॉल्ट्स, एनालिटिकल वगैरह, आपको सारे सभी चैप्टर के आप लोगों को यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो मैंने अभी तक आप लोगों को जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो भी आप लोगों को पढ़ाया है, तो उसमें आप लोगों को इसके सभी नोट्स मिल जाएंगे। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे आते ही तो ये देखिए बोल्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मेरे लिखे हुए नोट्स भी मिलेंगे, और मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक्स यानी जो सबसे ज्यादा उम्मीद है एग्जाम में 2023 आने के लिए वो भी आपको मिलेगा। तो ये देखिए आपको यहाँ से आप लोग को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो फिर आप देरी बिल्कुल मत करिए, फटाक से चालू हो जाइए, बिल्कुल भी मेहनत में हम लोग को ढिलाई नहीं करनी है, हम लोग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है।